नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव स्ट्रीज को। आज भाजपा कार्यालय में बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जब उन्हें मौका दिया गया था जनता की ओर से 1995 में, 2005 तक भी उनके पास मौका था, लेकिन OBC के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा की ओर से राष्ट्रीय अधिवेशन किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आएंगे, वह राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद रहेंगे, साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे। जब प्रेम कुमार से ये पूछा गया कि आप ओबीसी मोर्चे की ओर से अधिवेशन रख रहे हैं, ओबीसी मोर्चे के लिए आपने क्या कुछ किया है, तो उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है। और जब उनसे ये पूछा गया कि विपक्ष में क्या दिक्कतें हैं, तब उन्होंने लालू प्रसाद पर कटाक्ष करते हुए क्या कुछ कहा है, जरा सुनिएगा। यदि हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर उस एजेंडे को लागू करने का काम करेंगे। और 2005 का अवसर मिला, उस समय तिरानवे में जब विधेयक विधानसभा से पास हो गया और हम लोग की मांगों को दबाया उन्होंने, आवाज इस वोट से लालू प्रसाद लंबे समय तक इस देश के राज शासन करते रहे, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया उन्होंने बहुमत के आधार पर। मामला मान्य उच्च न्यायालय से गया, उच्च न्यायालय ने हमारी बात को पूरी दोहराया कर नहीं मिलना चाहिए, तब सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई है और फैसले का इंतजार कर रहे थे। 2005 में हम लोग जब सरकार में आए तो हमारा एजेंडा में था कि निश्चित तौर पर हम जाकर के पहली बार बिहार राज्य है जहाँ पंचायती राज के चुनाव में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जदयू सरकार में और हम लोगों ने वहाँ पर पंचायती राज में 20% आरक्षण हम लोगों ने दे करके और अधिकार। आपने सुना, साफ साफ बयानों के माध्यम से कह दिया गया है कि लालू प्रसाद यादव ने मौका गवा दिया है, मौका गवा दिया है या मौका पा लिया है, ये तो समय रहते पता चलेगा, जनता सबक सिखाएगी, ऐसा भी कहा गया है। आने वाले समय में क्या कुछ होने जा रही है, चुनाव से पहले की रणनीतियाँ, अमित शाह जब पटना आएंगे तो क्या कुछ जीत का मंत्र देंगे, क्या कुछ चाणक्य नीति देंगे, क्योंकि राजनीति का उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। अब बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में क्या होने जा रहा है, क्या जनता अपना मत देने जा रही है, किसके फेवर में देने जा रही है, किसने धोखा दिया है, किसे सबक सिखाएगी जनता, उन सभी खबरों से लाइव स्ट्रीम आपको ज़रूर रूबरू रखेगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट livestreams.in पर बने रहें। धन्यवाद।